चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें कक्षा जो 11वीं की आपकी राजनीतिक विज्ञान में दो बुक्स हैं आपकी। पहली थी राजनीतिक सिद्धांत, उसे हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, और दूसरी बुक थी आपकी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इस पर हम लोग बात कर रहे थे। इसके भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 8 चैप्टर इसके खत्म कर चुके हैं, और इससे पहले आपकी जितनी भी क्लासें ली गई हैं बुक, चाहे कक्षा 6वीं से लेकर 10th तक की जो भी बुक्स हैं उनकी हो, या फिर आपकी कक्षा 11वीं की हो, उन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, ठीक है। और इनकी वीडियो क्लासेस आपको प्लेलिस्ट सूची में मिल जाएगी। एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देख लीजिए। और वैसे भी आप लोग प्लेलिस्ट सूची जरूर देख लिया करिएगा एक बार। कोई आप पर टैक्स तो लग नहीं रहा है, आपको बहुत कुछ मटेरियल दे दिया गया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि जीके जीएस के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत है, फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की। और एक बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आईएएस या सिविल सर्विस के लिए, या फिर आप देखते हैं स्टेट पीसीएस के लिए, बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं उखड़ने वाला है, इसलिए समय रहते हुए इन्हें पढ़ लें आप लोग। और हाँ, एक और बात याद रखिए, आप लोग डेटों के बारे में परेशान मत हुआ करिएगा, अनुच्छेद के बारे में परेशान मत हुआ होना। यहाँ केवल आपका बेस बनाने के लिए एक तरह से आपको पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी। आगे हम लोग कोई स्पेशल बुक्स उठाएंगे, उसमें आपका सभी आपको आर्टिकल रटा देंगे एक तरह से, आपको परेशान नहीं होना है, उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक से दो बार आप लोग देखेंगे, आराम से सभी आपको आर्टिकल याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा परेशान मत हुई। आज का चैप्टर है आपका 9वां, के संविधान एक जीवंत दस्तावेज। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका कई बार प्रारंभिक परीक्षा में, वो लिखित परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है, क्या हमारा भारत का संविधान जो है वो जीवंत दस्तावेज है। तो जीवंत दस्तावेज का मतलब क्या है, जीवंत का मतलब क्या है, आप सभी जानते होंगे, जो जिंदा है, जिसमें बदलाव हो सकता है, समय समय पर बदलाव होता रहता है, हर परिस्थिति में ढलने की एक तरह से उसमें क्षमता हो, उसे आप लोग जिंदा कह देते हैं। अब एक मुर्दे से आप लोग क्या एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ढलने की बात कर सकते हैं, क्या उसे आप लोग जिंदा कह सकते हैं, नहीं ना। आपने देखा है हमारे संविधान में समय समय पर एक तरह से इसमें बदलाव भी होते रहे, इसने वो भी समय देखा है जो राष्ट्रीय आपातकाल का, इंदिरा गांधी के समय का, फिर भी अपने जिंदा मतलब अपने जो स्वरूप था इसका उसमें बना हुआ है, और परिस्थितियों के साथ साथ इसने ढलने की पूरी कोशिश भी की है। समय समय पर इसमें कई संशोधन भी हुए हैं आपके, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। इस अध्याय में हम पिछले 69 वर्षों के दौरान संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें जान पा सकेंगे, कौन कौन सी, भारतीय संविधान को समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया जा सका है सकता है। संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। और आप सभी ने पिछली क्लास में देखा भी होगा, किस चैप्टर में आपने देखा होगा, चैप्टर 6 में आपने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था ना। तो संविधान की कोई स्थिति पैदा होती है, जब भी कोई एक तरह से विवाद उठता है, तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय उस पर एक तरह से अंतिम निर्णय देता है, ठीक है। और याद रखिए, आपको यहाँ बेस बनाने के लिए पढ़ाई जा रही है, इसलिए पुराना मटेरियल इसमें सम्मिलित है, नया है इस पर जोर मत दीजिए आप लोग। आप लोगों से करंट अफेयर्स के लिए बोल रहा हूँ ना, आप लोग अपडेट हुआ करिए वहां से। यहाँ केवल आपको समझने के लिए बताया जा रहा है, फिर चाहे वो आंकड़े 60 साल पहले के हों या 60 साल बाद के हों, आज के हों या ना हों, इससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा परेशान मत होना इसके लिए, ठीक है। क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार बन चुका है, क्या हमारे संविधान में मतलब एक तरह से परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप देखेंगे परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936, 1970 संविधान 4 बार बदला गया है। 1991 में वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्द ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। इससे राजनीतिक भूचाल के बाद वहां रूसी गणराज्य का नए सिरे से गठन किया गया। 1993 में एक नया संविधान अंगीकार भी किया गया है। आप जानते हैं कि सोवियत संघ और एक तरह से आपने देखा होगा अमेरिका के बीच शीत युद्ध चला, 1990-91 में आपने देखा है वहां खत्म हो गया वो, तो उसके बाद आपने देखा है एक नया संविधान फिर से लिखने की जरूरत पड़ी वहां, ठीक है। अब जरा भारत की ओर हम लोग नजर डालते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ अंगीकृत हो गया था, ठीक है, एक पॉइंट इसे भी आप लोग याद रखिए।
भारत का संविधान कुछ प्रावधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से औपचारिक रूप से आपका ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष यानी कि बीत चुके हैं। अब आप आज के हिसाब से डेट इन्हें 69 हो चाहे 72 हो चाहे 70 हो, आप याद कर सकते हैं। यह संविधान लगातार काम कर रहा है और हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। ठीक है, तो क्या हम यह माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की जरूरत ही नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलाव और घटनाओं का अंदाजा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक हैं। यह बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। इसके साथ ही यह बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता है। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता है जिसे बदलने की आवश्यकता ना पड़े। एक बात आप लोग समझिए, कई व्यवस्थाएं हमारे उस समय के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने स्थायी रख दी थी कि इन्हें आप लोग नहीं बदल सकते, लेकिन उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया था कि परिस्थितियों के अनुकूल बदलना संभव ही है। इसलिए आप देखते हैं संविधान संशोधन की व्यवस्था भी की गई है, और हमेशा आपने देखा होगा संविधान संशोधन होते रहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो स्थायी मूल ढांचा है उसे नहीं बदल सकते हैं आप लोग। एक तरह से संविधान ऐसा नहीं कि आप लोग इस संविधान को खत्म कर दीजिए, कोई नया संविधान ले आइए, ऐसा आपने अभी तक नहीं देखा। फिर चाहे आपने देखा है 1976-77 का समय देखा है आपने, इंदिरा गांधी के समय का, तब संशोधन हुआ इसमें, एक बड़े स्तर पर संशोधन किया गया। इसीलिए आप लोग मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं किसे, 42वें संविधान संशोधन जिस जो 1976 में हुआ था। फिर आपने देखा होगा 1978 में भी एक संविधान संशोधन किया गया था जब नई सरकार बनी गैर कांग्रेसी। तो आप देखिए कि जो पूरा 42वां संविधान संशोधन था उसे पूरी तरह से नहीं बदला गया, लेकिन जो भी इंदिरा गांधी ने अनदेखा किया था, जो अपने हित में किया था, राजनीतिक दृष्टि से एक तरह से जो भी उठापटक हुआ था उसे बदल दिया गया था। तो ये कहना गलत है कि पूरी तरह से जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे परिवर्तन करके पूरा एक तरह से निपटा दिया गया, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, आपने देखा है मौलिक कर्तव्य भी तो आपके उसी समय जोड़े गए थे। ठीक है, वो तो आज भी है। यहाँ भी कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देखिए। इसी प्रकार फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासनकाल में वहां संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद 1793 में वहां एक नया संविधान तैयार किया गया, प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है। फिर आप देखिए 1848 में वहां दूसरा संविधान लागू हुआ, उसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र। फिर आप देखेंगे 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना, यानी तीसरी बार एक नया संविधान अपनाया गया। संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया, और अंततः वहां 1958 में एक और संविधान के साथ पांचवें गणतंत्र की स्थापना की गई। और हमारे देश में आप देखते हैं वही संविधान है, बस उसमें ऐसा रहता है कि कहीं आवश्यकता है संशोधन करने की तो उसे संशोधन कर दिया जाता है और एक नया प्रावधान जोड़ा जाता है। अब आर्टिकल 21 आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा फेमस आर्टिकल है। आर्टिकल 19 भी देखा होगा, समय समय पर उसकी व्याख्या बढ़ती रहती है, उसमें कुछ प्रावधान जोड़ते रहते हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21 से अनुच्छेद 1 का के तहत जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। तो आप समझिए समय समय पर इसकी व्याख्या होती रहती है, इनकी सबकी मौलिक अधिकार की नए नए अधिकार आपके जुड़ते रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कल ऐसा भी अधिकार जुड़ जाए कि उसमें आपका स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी जाए और आपको रोजगार की बात कर दी जाए कि आपके मौलिक अधिकार हैं रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था, तो ऐसा भी प्रावधान जुड़ सकता है। ठीक है, तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम करता रहा है? और इस प्रश्न का एक और उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की जरूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संविधानिक बात की एक से ज्यादा व्याख्या हो सके। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान लचीला है और अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सकता है। ये पॉइंट आपको मालूम चल गया होगा कि किस तरह से हमारे संविधान को आप लोग जीवंत दस्तावेज कह देते हैं। एक बात और आप लोगों ने देखी होगी कि आप समझते हैं कि जब संविधान का निर्माण एक तरह से बनाया जा रहा था उस समय आप देखेंगे आपको विभिन्न समूह के भिन्न भिन्न जातियों के सबके लोगों को रखा गया था। आप लोगों ने सुना होगा कि भीमराव अम्बेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
और नेहरू साहब के बीच कई मुद्दों पर एक तरह से विचारधारा में अलग थे वो लोग, कई मुद्दों पर उनका एक सहमति नहीं बनती थी। फिर भी आपने देखा है कि जब भी नेहरू की मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें भीमराव अम्बेडकर साहब को जगह दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जगह दी गई, क्योंकि आप समझिए कानून के ज्ञाता थे एक तरह से। कौन? सर आपके भीमराव अंबेडकर साहब। ये कहना गलत है कि केवल उन्होंने ST ST के लोगों का ही एक तरह से नेतृत्व किया, उन्होंने महिलाओं के लिए, आपने देखा होगा कि एक तरह से उन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में भी बात की है। और याद रखिए उस समय के जो भी नेता थे, जिन्हें आप लोग नेता कह लीजिए, जो भी कहना हो, वो जनता के लिए भगवान थे, उनके अपने कोई हित नहीं थे। अगर आज के नेताओं जैसे होते तो आप समझिए हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज ना होता, इसमें कई बार इसे बदला जाता, पूरी तरह से नकार दिया जाता। आज आप देखते हैं कि हर पार्टी से आप पूछ लीजिए, सभी को संविधान पर भरोसा होगा, फिर चाहे वो ST से हो, SC से हो, या फिर मुस्लिम हो, या बौद्ध ईसाई धर्म, किसी भी धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के निर्माता, जो भी संविधान निर्माता रहे होंगे, उनकी सोच कहां तक गई होगी। और ऐसा नहीं कि हर मुद्दे को भीमराव अम्बेडकर ने हर मुद्दे को उसी में सम्मिलित कर लिया गया हो, बड़ी बहस हुई उस पर। आप समझते हैं 2/11 यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, इतनी लंबी बहस चली। और बहस ही नहीं चली, आप सोचिए प्राचीन काल से ही हमारे संविधान की मतलब एक तरह से बनना शुरू हो चुका था। आप अशोक के समय को सुनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय को सुनते हैं, महावीर स्वामी को देखते हैं, आप बुद्ध भगवान को देखते हैं, आप चाणक्य को देखते हैं, उनकी भी बातों को हमने अपने संविधान में जगह दी हुई है कि किस तरह से हमारा संविधान। तो 1-2 साल में आप ये नहीं कह सकते हैं, 2-3 साल में हमारा संविधान बन के खड़ा हो गया। एक तरह से बहुत लंबा अनुभव हमें रहा है, उसी के आधार पर हमने संविधान बनाया हुआ था। ठीक है, समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह है तो स्वाभाविक ही है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधान में दिखाई देगी, लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में वह सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे। इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है, बल्कि उसके उसके कई सारे तत्व स्थायी महत्व के होते हैं। आप ही समझ लीजिए मैं कहता हूं, अगर उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ही संविधान केवल उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल लिखा जाता तो आज आप समझिए कि क्या स्थिति बनी होती। और मैं कह रहा हूं बार बार कि 564-65 रियासतें हुआ करती थी हमारे भारत में, और सब सभी की अपेक्षा थी कि हम अलग देश बने, कई की इच्छा थी कि हम पाकिस्तान में मिले। लास्ट तक आप लोग देखते रहते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, तो लास्ट तक संघर्ष करते रहे। और अगर संविधान ना होता तो आज भी वही परिस्थिति बनी होती, फिर चाहे आज दक्षिण भारत का हो, उत्तर भारत का हो, पूर्वी पश्चिम कहीं का भी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समूह हो, लेकिन सभी को अपने संविधान में भरोसा है, उसे अपने उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है कि अगर उसके साथ गलत होता है तो सुप्रीम कोर्ट सही उसके साथ न्याय करेगा। आप समझ रहे हैं? बहुत लंबी सोच रही होगी, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उन लोगों ने कितना दिमाग लगाया होगा। अमेरिका का संविधान 200 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था, तब से लेकर आज तक उसमें केवल 27 संशोधन किए गए, ना कि दिलचस्प बात है। एक बात और बताऊं आप लोगों को, अमेरिकी संशोधन संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल बात होती है, बड़ा लंबा समय लगता है एक संशोधन करने में, और हमारे देश में बहुत जल्दी संशोधन हो जाता है, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और सबसे पहले आपका लिखित संविधान अमेरिका का था, और सबसे बड़े संविधान लिखित संविधान की बात करें तो इंडिया यानी कि भारत का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनशील दस्तावेज भी नहीं होता है। संविधान की रचना मनुष्य करते हैं, इस नाते उसमें हमेशा संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंबित होता है, लेकिन इस संबंध में हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है। इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है, नियम कानूनों का एक तरह से आप कह सकते हैं ये किताब है कि इस हिसाब से चलना चाहिए आपको। ठीक है, आपके घर में क्या रहता है? आपने देखा होगा पिताजी एक नियम निर्धारण कर देते हैं कि बेटा आपको 10 बजे रात में शाम को आ जाना चाहिए, 10 बजे तक, 11 बजे आए तो आपके लिए गेट नहीं खुलेंगे, आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो एक तरह से उन्होंने भी अपने घर में एक संविधान बना के रखा हुआ है, तो इसी तरह से आप इसे भी कह सकते हैं। आप देखते हैं कि सरकारें जो भी चलती हैं हमारे संविधान के हिसाब से चलती हैं,
जो सरकार आप देखते हैं संविधान के हिसाब से नहीं चलती है वो बर्खास्त कर दी जाती है, और संविधान के हिसाब से जो व्यक्ति नहीं चलता है, जो भी नहीं चलता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इसके लिए आप देखते हैं न्यायपालिका हमेशा इसके बात भी करती रहती है। संविधान की अधूरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता है? दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या यह इतना आम फहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं हमारा संविधान बीच का रास्ता है। अगर संविधान संशोधन करना है तो आपको लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की, आप देखते होंगे कई जगह आपको राष्ट्रपति, इन सब की एक तरह से सहमति आवश्यक होती है। राज्यसभा लोकसभा में आप देखते हैं चलता रहता है, विधेयक कहलाता है, फिर आप देखते हैं आगे राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, संशोधन होता है। एक आप साधारण बहुमत कह देते हैं, एक विशेष बहुमत कह देते हैं आप लोग। कई प्रावधान है जो साधारण बहुमत से लागू हो जाते हैं। साधारण बहुमत कहने का मतलब यह है कि आपकी मान लीजिए 100 सदस्य हैं, उनमें से 50 से 51 की, 51 की एक तरह से उस पर सहमति है। विशेष बहुमत का कहने का मतलब है कि 2/3 आपके सदस्य उसके पक्ष में होने चाहिए, तब उसमें बदलाव होता है। तो आप समझिए, एक मतलब इतना आसान भी नहीं और इतना कठिन भी नहीं हमारा। आप देखें अगर आपकी बहुमत है अगर राज्यसभा और लोकसभा में, तब आप आराम से कर सकते हैं संशोधन, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अक्सर आप देखने को मिलता है कि लोकसभा में, तो चलिए मान लेते हैं अभी की बात कर लेते हैं, 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास, बीजेपी के पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत है, लेकिन आप देखेंगे राज्यसभा में अभी भी उनके पास बहुमत नहीं है। और वो दो आप जानते हैं 2014 में उनकी सरकार बन चुकी थी, तब तो से लेकर आज तक राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं आ पाया। तो आज वो चाहें कि किसी भी संविधान संशोधन कर दें, कहीं भी कर दें, तो ये मुश्किल है। ठीक है, याद रखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था, इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश भी की। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे समान सम्मान की दृष्टि से देखें। साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी वे इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। वे जानते थे कि जब समाज के किसी मत विशेष की और ज्यादा आकर्ष्ट होगा, तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की जाएगी। इसके लिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इसका इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी भी स्थिति में के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है। यह कोई अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे और होते रहेंगे। ठीक है, अब आप कहाँ पहुंचे और क्या समझे, इन पॉइंटों को आप लोग पढ़ लिया करिएगा। क्या है कि ऊपर जो आप लोगों ने टॉपिक देखा है, मतलब एक तरह से पैराग्राफ देखा है, उसी के आधार पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 आप लोग सुनते रहते हैं, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या फिर हटा सकती है। ये आप देखते हैं 368 काफी चर्चा में रहता है, और इसमें आप सोचिए, इसमें संशोधन करने, इसके तहत संशोधन करना बहुत मुश्किल बात होता है, कोई आसान चीज नहीं है। ठीक है, तो संविधान के संशोधन की अगर बात आती है तो 368 भी इसमें सम्मिलित है। इसी के तहत हम पहले ही कह चुके कि हमारा संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्ष थे। संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सके, लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलाव से बचाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यहाँ लचीला का मतलब है कि परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर कार्य थे, अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है सके। जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है, और भारतीय संविधान में इन दोनों ही तत्वों का समावेश भी किया गया है। यानी कि ये ना तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से हमारा लचीला संविधान है, और ना ही ये कर सकते हैं कि पूरी तरह से कठोर है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा है कि ना तो ये कह सकते हैं कि आसानी से हम कभी भी चाहे मन चाह जब किसी भी राजनीतिक पार्टी का उसने आराम से संशोधन कर दिया, ना तो ये संभव हो सकता है, ना ही इतना कठोर है कि बिल्कुल संविधान संशोधन किया ही ना जा सके। तो हमारा बीच का एक तरह से रास्ता है। चलिए हटाइए, इतने ऊंचे, इतने बड़े स्तर पर आप लोग मत समझिए। मान लीजिए आप खुद हैं, आप लोगों के आजकल, मैं रिश्तों की बड़ा उदाहरण देता हूँ, इसलिए देता हूँ क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि
जिस तरह से आपके रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, मुड़ते रहते हैं, ऊंचाइयों पर चढ़ते रहते हैं, जब आप देखते हैं कि आपको किसी से प्यार होता है, तो उस समय आप देखते हैं माउंट एवरेस्ट की शिखर पर होता है। आप चांद, तारे, पता नहीं क्या क्या, मिर्च, लहसुन, पता नहीं क्या क्या तोड़ के लाने की वादे करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं, मोहतरमा भी करती रहती हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद इसमें बदलाव होता है। उस समय आप देखते हैं कि ये दो में से एक कोई झुकना पसंद नहीं करता है। उस समय आपको दिखाई देगा कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है रिश्ता। तो मेरा मानना है कि ना तो आपको इतना कठोर होना चाहिए कि सामने वाले भी जज्बातों के या फिर कदर कोई भी नहीं होना चाहिए, ऐसी ऐसा भी आपके पास इतना भी कठोरपन अच्छा नहीं है, और ना ही इतना लचीलापन आपके लिए अच्छा है कि कोई आप में आपके वही है कि कोई कुछ भी बोला है आप सुन के आराम से डले हुए हैं, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। आपको बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, रिश्तों की भी कदर होना चाहिए और अपने सम्मान की भी कदर होना चाहिए, और जहां झुकने की जरूरत है वहां झुक जाना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक है, तो ऐसी तरह हमारा संविधान है, और संविधान से मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आजकल के लोग विशेषतर। ठीक है, संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं, यानी कि गलतियां हो सकती हैं। वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोष मुक्त नहीं हो सकता है, इसमें भी कुछ दोष हो सकता है। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके। इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था, और इनके बारे में यह राय अपनाई गई थी कि नई संसद का गठन होने पर या फिर बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। हमारे संविधान एक संघीय राजव्यवस्था बनाने के पक्ष में था, इसलिए उसने ऐसे प्रावधान किए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सके। इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय मत के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे, अतः इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक था। यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीकों को तरीके अपनाने पड़े हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब मैं यहाँ फिर से आपकी जिंदगी से जोड़ देता हूँ इस टॉप इस पैराग्राफ को भी। अब आप कहोगे कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए देखिए आपका नया नया प्यार है या नया नया कोई रिश्ता है, तो आप जानते हैं आप में भी आपसे भी कुछ गलती हो सकती है, सामने वाले से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप कहें आप अपनी गलती को मान लें, अगर आपसे कहीं गलती हो गई है तो आप सॉरी या जो भी आपकी माफी मांग सकते हैं आराम से, और अगर सामने वाले से गलती हो गई तो वो भी मांग ले। तो इसी तरह उस समय भी जिस जो भी संविधान निर्माता थे उनसे भी गलतियां हो सकती थी, उन्होंने भी माना कि हमसे भी दोष हो सकता है, कुछ गलती हो सकती है, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, तो समय समय पर इस पर सुधार करने की उन्होंने भी व्यवस्था की है। तो आप भी व्यवस्था करते रहा करिएगा। ठीक है, अब यहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपत अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, इसमें सामान्य बहुमत की वही बात कर रहा हूं कि एक तरह से आधी आधी बहुमत, आप देखते हैं ना कि एक तरह से 100 सदस्य हैं तो 51 सदस्य आपके पक्ष में है, तो सामान्य एक तरह से हो गया। संसद के दोनों दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार, एक तरह से कहने का मतलब है कि 2/3 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सदस्यों की इसमें आप देखेंगे विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका अनुच्छेद 368 में। आप देखेंगे कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनमें अगर संशोधन करना है आपको तो विशेष बहुमत की यानी कि 2/3 सदस्यों की जरूरत तो पड़ेगी दोनों सदनों में, लेकिन आधे यानी कि कहने का मतलब है कि अभी आपके टोटल 28 राज्य हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2021 की बात, इस समय 28 राज्य हैं आपके और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें से आपको देखने को मिलेगा कि आधे आधी राज्यों की आधी विधायिका यानी कि इनमें से आधे राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए उस पर, तब जाकर उसमें संशोधन होगा। ठीक है, इन तीन बातों को हमेशा याद रखिए, इस तरह से संशोधन किया जाता है। ठीक है, संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है, ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत भी नहीं होती है। इस प्रकार के संशोधन सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता है। संविधान के हिस्सों में को काफी लचीला भी बनाया गया है। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग भी किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि संसद के इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकती है। देखिए मुश्किल होता है 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है। ठीक है, और लेकिन कई अनुच्छेदों में भी एक तरह से आपका संशोधन होता रहता है समय समय पर, तो वो आसानी होता है। जैसे आप देखेंगे अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश को दे सकती है।
अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, वो ये समय समय पर होता रहा है। आप जानते हैं सन 2000 की बात कर लीजिए, फिर चाहे 2014 की बात कर लीजिए, दो सन 2000 की बात करें तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया था, बिहार से झारखंड अलग किया गया था। सन 2014 में अगर आप जाएं तो आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था। या फिर आप देखते हैं कि समय समय पर किसी राज्य की का क्षेत्रफल, यानी कि देखा होगा कि कई नई सीमा जोड़ ली जाती है उसमें और या दूसरे राज्य को दे दी जाती है। तो इनमें संविधान संशोधन करना आसान होता है, बस राज्य के पास आप लोग सिफारिश भी भेजते हैं राष्ट्रपति साहब, और राज्य अगर मानता है तो ठीक है, राज्य की जो भी विधायिका है, अगर नहीं मानती है तब भी वो संशोधन होता है। ठीक है, संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है, और इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के दो तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है, और दूसरा तरीका ज्यादा कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है, और संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या फिर या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है। साधारण बहुमत में आप देखते होंगे किसी राज्य की अगर आपको सीमा बदलनी है या अलग करना है तो उसमें आप देखते होंगे लोकसभा और राज्यसभा का ही एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान रहता है। उसमें राज्यपाल राज्य की जो भी राज्य की व्यवस्था है उसमें उनका विचार रहता है, आप उन्हें बात को मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे विशेष बहुमत की जब बात आती है तो 2/3 यानी कि 2/3 सदस्यों की आवश्यकता आपको पड़ेगी लोकसभा और राज्यसभा में। और एक दूसरा तरीका और ज्यादा कठोर है, उसमें आपको देखने को मिलेगी आपको 2/3 सदस्यों की जरूरत तो दोनों सदनों में पड़ेगी, साथ में ही आपको आधे राज्यों की विधान पालिकाओं की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी उसमें संशोधन करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार संसद द्वारा कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इन संशोधनों को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार की जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इन मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं होता है। एक बात मैंने पहले भी बताया कि जब तक आपका लोकसभा और राज्यसभा में रहता है तब तक वो विधेयक कहलाता है। ठीक है, और जैसे ही आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति की सहमति मिलती है वो अधिनियम बन जाता है या संशोधन हो जाता है कहलाने लगता है। इन बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और कितनी जटिल हो सकती है। हमारे संविधान में इन जटिलताओं से बचा गया है और इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षा के सरल भी हुई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है ध्यान देने लायक कि संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। इसका अर्थ है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों संसदीय संप्रभुता में निहित होता है। एक तरह से कहने का मतलब ये है, आप समझिए कि आपने किन्हें चुना है, नेताओं को चुना है, तो यही भरोसा करके चुना होगा ना कि आपका अच्छे से आपकी जो भी समस्याएं आपका जो भी प्रॉब्लम है उन्हें वो उठाएगा वहां संसद में। ये अलग बात है कि वो नहीं कर रहे हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन, ये अलग बात हो जाती है। लेकिन आप तो यही उम्मीद से चुनते हैं ना कि वो आपका ख्याल रखेगा, आप अपने जीवन साथी या किसी से प्यार इसी उद्देश्य मतलब इसी आधार पर चुनते हैं कि वो भी हमारा साथ देगा, यानी कि वो भी एक तरह से हमारी भावनाओं को समझेगा। अब वो नहीं समझता है ये अलग बात हो जाती है, तो इसीलिए नेताओं का भी यही काम रहता है। और जब भी संशोधन की बात आती है तो ये भी तो कहा जाता है लोकतंत्र के आधार पर आप कह देते हैं राजतंत्र या फिर राजाओं का शासन भी कह देते हैं कई जगह, आप लोग कई राज देशों में आपको देखने को मिलेगा, और हमारे देश में कहा जाता है प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र में आप देखते हैं प्रजा का तंत्र यानी कि प्रजा का शासन एक तरह से, यानी कि जनता का शासन एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन क्या डायरेक्ट आप लोग इसमें भाग लेते हैं या डायरेक्ट कोई भी मुद्दा है उस पर आप लोग भाग लेते हैं? नहीं ना लेते हैं ना, आप तो इसी उद्देश्य से उन्हें चुन लिए जाते हैं कि आपके जो भी विधायक साहब हैं जो भी आपके लोकसभा सदस्य साहब हैं आपके हिसाब से काम करेंगे ना कि अपने मतलब के हिसाब से, यही सोच के आप लोग जाते हैं। और इसी आधार पर कह दिया जाता है कि प्रजातंत्र है यानी कि प्रजा का शासन की प्रजा के अनुसार उनकी भावनाओं के अनुसार ही एक तरह से इसमें संशोधन किया जा रहा है। ये अलग बात होती है कि वो आपके जो प्रतिनिधि आप लोग जिन्हें अपने चुनते हैं वो अपने मतलब के लिए कई तरह के प्रावधान करते रहते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत की अगर हम बात करें तो चुनाव कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार पुनः याद करें कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ है। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित
सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कल्पना करते हैं कि सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं। ये सभी सदस्यों का एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा, लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती है। ये तो साधारण बहुमत हो गया। संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरे संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, 2/3। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं होता है। याद रखिए, इसमें संयुक्त सत्र यानी कि संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक आप कौन बुलाता है? आपने देखा, राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। तो इस पॉइंटों को भी याद रखिए। आखिर आप कैसे समझ सकते हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है आखिर, और इसका क्या उचित होता है? आप लोकसभा में देखते होंगे कि 545 सदस्य हैं। इसमें से आप देखेंगे अभी करेंट में 543 आपको देखने को मिलेंगे और 2 मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन को। अभी उस पर भी विवाद चल रहा है आपका। कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें हटा देना चाहिए, ठीक है, तो उस पर विवाद चल रहा है, वो अलग बात होती है। अभी आप लोग देखेंगे इसमें किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हो तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होगी। लेकिन कल्पना करें कि अगर लोकसभा में 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है, इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इसके अलावा आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप देखेंगे संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए, यानी कि अलग अलग दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 से एक तरह से पारित होना आवश्यक है, ठीक है। इसका अर्थ है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पारित सहमति पर्याप्त सहमति ना बन जाए पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता है। सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकता है। लेकिन अगर किसी दल को संविधान में संशोधन करना है तो उसे कुल कुल कुछ विपक्षी दलों के वो विश्वास में लेना पड़ता है। इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना यह है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। आप समझिए, इतना आसान नहीं है। जम्मू कश्मीर वाले फैसले पर आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दी गई है, ठीक है, एक तरह से जो विशेष राज्य का प्रावधान विशेष मिला हुआ था उन्हें हटा दिया गया। इसी बात को अगर आप समझिए कि 368 के तहत अगर संविधान संशोधन करना पड़ता तो बीजेपी कभी ना कर पाती। एक बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में आप देखेंगे उनके पास बहुमत नहीं है, समझ रहे हैं। अगर लोकसभा में जैसे तैसे वो कर लेती व्यवस्था तो राज्यसभा में मुश्किल था, लेकिन आपने देखा है कि साधारण बहुमत से आराम से हो जाता है इस तरह का। जो इस संविधान से असंतुष्ट है, यहां भी कुछ पॉइंट है, इन्हें भी आप लोग देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं में 2 सिद्धांत ज्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। एक सिद्धांत है विशेष बहुमत का। उदाहरण के लिए अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि के संविधानों में इस सिद्धांत का समावेश किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत का सिद्धांत लागू है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। आप समझ सकते हैं, यहाँ और कठिन है। दूसरा सिद्धांत, संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का। यह सिद्धांत कई आधुनिक संविधानों में अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में तो जनता को संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार भी है। रूस और इटली अन्य देशों में जहां जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के अनुमोदन का अधिकार भी दिया गया है। इन्हें भी आप लोग याद रखिए। जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना, और यदि वे इतना भी प्राप्त नहीं कर सकते तो यह नहीं समझा जा सकता है कि जनसाधारण उनके असंतोष में उनका साथ दे रहा है। यहां गौर करने की बात यह भी है कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ संसदीय बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं, इस संदर्भ में जनता की राय का उल्लेख भी करते हैं। इससे पता चलता है कि बहुमत की धारणा के पीछे जनमत की भावना काम करती है। जनमत का यही सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक तरह से वक्तव्य है, ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। अब बात करते हैं राज्यों के अनुमोदन की, कि जहां राज्यों की भी आपको जरूरत पड़ती है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता है। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या फिर जनप्रतिनिधि नेतृत्व से संबंधित अनुच्छेदों में अगर संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना, उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक भी होता है। इस तरह के कई प्रावधान हैं, जैसे आप समझिए कि
राज्यों से संबंधित कोई निर्णय ले रहा है, या फिर आप समझेंगे कि वहां शक्तियों से या फिर जनप्रतिनिधियों से संबंधित किसी अनुच्छेद में अगर संशोधन करना है, तो वहां आपको राज्यों की भी जरूरत पड़ेगी और उनकी सहमति की आपको आवश्यकता भी पड़ेगी। पीछे हमने संविधान की संघीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया है। संघीय संरचना का अर्थ है कि राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं है। आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में आप देखते हैं क्या देखते हैं, एक तरह से आपने देखा होगा कि आपका सबका क्या बटा हुआ है, वहां आपका एक तरह से सबके विषय बटे हुए हैं कि मतलब एक तरह से सबकी एक तरह से शक्तियां बटी हुई हैं कि मतलब राज्य के पास ये हैं, केंद्र सरकार के पास ये हैं। आप संघ सूची भी सुनते हैं, राज्य सूची भी सुनते हैं, समवर्ती सूची सुनते हैं। संघ सूची पर आप जानते हैं कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, सेंट्रल। राज्य सूची पर आप देखते हैं राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जब भी दोनों में अगर मतभेद है, टकराव है, तो वहां केंद्र सरकार कानून प्रभावी रहता है। लेकिन ऐसा भी समय देखा होगा कि राज्यसभा जब कोई पारित प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्यसभा की इस राज्य की राज्य के विषय पर इस विषय पर आपको कानून बनाना है, तो उस समय केंद्र सरकार भी आपका कानून बना सकती है। तो इस तरह की व्यवस्था भी रखी गई है। लेकिन इसीलिए इन जो भी आपकी विषय है, इनका बंटवारा इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि आगे इनमें कोई एक तरह से ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, एक दूसरे में लड़ाई टकराव ना हो। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्य की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती, तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता है। एक जो कठोर नियम बताया था ना, उसकी बात कर रहा हूं। इस अर्थ में यह भी कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधानों में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि संशोधन की प्रक्रिया के कठोर होने के बावजूद उसे फिर भी काफी हद तक लचीला बनाया गया है। हम देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों की अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं की साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यवहारिक नहीं है। संक्षिप्त में, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता बढ़ती है। इस प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दी गई है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे छेड़छाड़ी की जा सके। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा है कि भावी पीढ़ियां अपने समय की जरूरतों के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सके। GST के बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा, आपने देखा होगा कि 2017 में हमारे देश में लागू हुआ। बहुत लंबे समय से बहस चल रही थी इस पर, आप समझ सकते हैं। और आप समझिए, इस पर भी आपने देखा होगा कि आधे राज्यों की एक तरह से सहमति आवश्यक थी। इसीलिए आप देखते थे कि केंद्र में किसी और की सत्ता है, राज्य में किसी और की सत्ता है, तो इस पर सहमति बन पाना मुश्किल रहता था। ठीक है, तो एक तरह से इसे भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग देख लीजिए कहां से कहां पहुंचे। आप लोगों ने ऊपर जो पढ़ा है उसी का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आप लोग देखिए, संशोधन का विशेष विशेष बहुमत राज्यों द्वारा अनुमोदन, नागरिकता संविधान संबंधी अनुच्छेद, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, केंद्र सूची में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में बदलाव, चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें विशेष बहुमत की अगर बात करें तो नागरिकता में आप देखते होंगे इसमें कोई ज्यादा नहीं रहती। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में आप देखते होंगे, या राज्यों की सीमाओं में इसमें आप देखते होंगे कि साधारण बहुमत के द्वारा भी इसमें बदलाव होता है। लेकिन चुनाव से संबंधित उपबंध में आप लोग देखते होंगे दोनों की जरूरत पड़ती है। संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए, क्योंकि आप देखेंगे ये 26 जनवरी तक की बात की जा रही है। वैसे अभी अभी आप देखते रहते हैं कि करंट में भी होते रहते हैं, इसलिए परेशान मत हुआ करिएगा। इसलिए के लिए आप लोग करंट से जुड़े रहना। ठीक है, यहाँ आंकड़े जो भी दिए गए वो समझाने के लिए केवल दिए गए आपको। 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष हो गए हैं। 12 जनवरी 2019 तक इसमें 103 संशोधन किए जा चुके हैं और संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों की यह संख्या काफी बड़ी मानी जाएगी। आइए जानने का प्रयास करें कि इतने सारे संशोधन के पीछे क्या वजह रही है और इसके निहितार्थ क्या रहे हैं। आइए जरा एक नजर संशोधनों के इतिहास पर डालते हैं। अगले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। ग्राफ में एक ही सूचना को दो भिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है और इसके दिए गए स्तंभ उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करते हैं। दूसरे ग्राफ में आप प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है। आप पाते हैं कि 1970 से 1990 तक
कि 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन भी हुए। दूसरी ओर आप देखें कि दूसरा ग्राफ हमें एक और कहानी बताता है कि 1974 से 1976 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। ये इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूं। पुनः आप देखेंगे 2001 से 2003 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास के ये 2 कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी को संसद में बाहरी बहुमत था और इसलिए वो आसानी से एक तरह से संशोधन कर लेती थी और राज्यसभा में भी उसके पास काफी बहुमत था और राज्यों में भी उसकी ही सरकार हुआ करती थी। शुरू में लोकसभा में उसके 252 सदस्य थे और जनता राज्य विधानसभाओं में भी उसका बहुमत था। दूसरी ओर आप देखेंगे सन 2001 से 2003 के बीच का काल गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है। यह एक ऐसा भी काल था जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी। इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और इसके विरोधी दलों के बीच कटु की द्वंद्वता थी। लेकिन इस काल में 10 संशोधन किए गए, इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते। और याद रखिए, जब आपके पास गठबंधन है और पर्याप्त संख्या है तभी तो आप लोग एक तरह से संशोधन कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय को याद कर लीजिए आप लोग, 13-13 पार्टियों का गठबंधन था। आप समझिए कई राज्यों में इनकी पार्टियां की इनकी सरकार भी थी इन पार्टियों की, तो उस समय भी आराम से हो जाता था संशोधन। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको समझाने के लिए केवल इनका उदाहरण दिया, कोई मतलब नहीं है। देखिए आप लोग यहां देख सकते हैं, ये आपका चार्ट दिया गया है पहला और यहां दूसरा, 10 संशोधनों की अवधि। ये आप देखेंगे 1951 से 60 के बीच, 61 से 71 के बीच, 71 से 80 के बीच, 81 90 के बीच, 91 2 फिर 1 10 और 11 18 के बीच। ठीक है, देख सकते संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना भी होती रही है। यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए। बाहरी तौर पर 69 वर्षों की अवधि के दौरान संविधान में 103 संशोधन की बात अजीब लगती है, लेकिन ऊपर की 2 ग्राफ देखने से पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही। संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संशोधन की एक धारा सी बहनी लगती है और इसका अर्थ है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती थी, बल्कि संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार किए गए थे। क्या इसके पीछे मूल संविधान की सब कमजोरियों भी काम कर रही या संविधान की ही बहुत लचीला है? एक तरह से आप समझिए कि हर चीज के लिए राजनीतिक जिम्मेदार नहीं होती है, कई आप समझिए कई जरूरतें भी होती हैं। अब आप छोड़िए, आप लोग 73वें और 74वें संविधान संशोधन को याद कर सकते हैं। अब इसमें तो आप नहीं कह सकते हैं कि 2 संशोधन एक ही साल में लगभग हुए एक ही समय पर, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जरूरत थी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की। ठीक है, तो इनकी बात आप लोग समझ सकते हैं। संशोधन की अगर विषय वस्तु की हम लोग बात करें तो अब तक किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए गए हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं और ये संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने, छिटपुट संशोधन से संबंधित हैं। उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है, वास्तव में वे इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से 62 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया। ये 15वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। पहले क्या हुआ करता था कि जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे उनकी सेवानिवृत्त यानी कि हुआ करती थी आयु 60 साल, इसे बढ़ाकर 62 कर दिया गया था। कब किया गया था? ये 15वां संविधान संशोधन हुआ था। इसे भी याद रखिए, कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने वाले संविधान संशोधन, ये 54वां संविधान संशोधन था, इसे भी आप लोग याद रखिए, इसी बात के उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को भी ले सकते हैं। आप अपने राज्यों की बताइए, नीचे लिखिए आप लोग कि आपके राज्यों में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, लोकसभा में बताइए और विधानसभा में बताइए। ठीक है, और सबसे ज्यादा किस राज्य में, ये भी बताइए आप लोग, क्योंकि इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कई बार प्रारंभिक परीक्षा में आपका पूछ लेता है। मूल उपबंध में आरक्षण की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी, किंतु इन वर्गों को उच्च प्रतिनिधित्व देने के लिए सऊदी को प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। इस संबंध में अब तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इन संशोधनों से मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन है और याद रखिए इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। आप आरक्षण की व्यवस्था कोई अस्थायी नहीं थी, आप समझिए आरक्षण की व्यवस्था इसलिए रखी गई थी कि जो एक तरह से जिनके साथ भेदभाव हुआ है
वो मुख्य धारा में जुड़ जाए, वो सभी मुख्य धारा में आ जाए, उसके बाद संविधान जो आरक्षण की व्यवस्था है उसे खत्म कर दें। लेकिन आपने देखा है कि अभी भी सभी के साथ उनके साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उन्हें उनकी मुख्य धारा में जुड़ने का एक तरह से मौका ही नहीं मिल रहा था। अगर मौका मिल जाता तो कोई संविधान में संशोधन करने की बात जरूरत ही ना पड़ती, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो 10-10 वर्ष में बढ़ती रहती इसकी भी जरूरत ना पड़ती। लेकिन आपने देखा है कि अभी भी इनके साथ भेदभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है? मूल संविधान में माना गया है कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, और याद रखिए ये अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं करता है। जब आप देखेंगे वही चुनेगी जो पार्टी, तो उसके मंत्री के मंडल जो भी होगा मंत्रिपरिषद उसी की सिफारिश या उसी के अनुसार तो काम करता है। इस संबंध में बाद में एक संशोधन किया गया अनुच्छेद 74(1) में, यह स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई अंतर पड़ा है? इसे स्थायी परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात इस संशोधन में केवल संविधानिक उपबंधों की व्याख्या भर की गई है। ये देखिए अनिवार्य और सलाह ये अलग अलग है। एक तो आप लोगों ने किसी को सलाह दी है, अब वो माने उसे ना माने ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक देखते हैं आप लोग की अनिवार्य है, इसमें सीधा सा प्रावधान हो जाता है कि उससे जरूरी है, मजबूर है वो सामने वाला कि उसे आपकी राय माननी होगी, आपकी सलाह माननी होगी। ठीक है, तो ये भी आपका 74(1) में प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति साहब ये भी कर सकते हैं कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कुछ प्रावधानों को, लेकिन आप देखेंगे दोबारा अगर उसी तरह का प्रावधान वापसी आ जाता है बिना संशोधन की, तब राष्ट्रपति साहब को उस पर सहमति देनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखिए। व्याख्याओं की बात करें अगर हम लोग, विभिन्न दृष्टिकोण संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद भी पैदा होते रहे। संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रमाणित सिद्ध करना पड़ता है। प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों की अपने अपने तरीके से व्याख्या भी करती हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। कई बार संसद न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती है, उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ता है। 1970 से 1975 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां भी पैदा हुई हैं। और याद रखिए इसमें संविधान संशोधन करना बड़ा मुश्किल भी रहता है, और आप देखते होंगे कि न्यायपालिका भी इसमें हस्तक्षेप हमेशा करती रहती है। इंदिरा गांधी के समय आपने कई मामलों में देखा भी होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर तो न्यायपालिका को माना गया है ना, संविधान को माना गया है ना। ठीक है, न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस संबंध में हम तीन दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे, और इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे और संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहे। 1970 से 1975 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए कई बार संशोधन भी किया। इसमें एक और बात बताऊं आप लोगों को, आप लोगों ने एक 44वां संविधान संशोधन सुना होगा, ये 1978 की बात है। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे आपने देखा होगा कि हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों की सूची में से, उसमें आपने देखा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इस पर क्या होता था कि जब भी सरकार किसी एक तरह से समाज हित के लिए या किसी और काम के लिए जमीन हड़पती थी या जमीन पर कब्जा कर लेती थी या जमीन पर कुछ परियोजनाएं यानी कि योजनाएं या प्रोजेक्ट चलाना है उसे, तो किसी की जमीन उसने ली, और जैसे आपका कहीं जमीन डली हुई है वहां, मान लीजिए कि ट्रेन की पटरी गुजरना है, वहां से रेलवे रेलवे लाइन गुजरनी है आपकी। ठीक है, तो आपको कहा कि आप मुआवजा ले लीजिए इसका, आपने कह दिया कि नहीं मैं मुआवजा नहीं लूंगा, और मैं अड़ा रहा मतलब उसी बात पर आप अड़े रहे, तो आप क्या करते थे कि सरकार ने अगर जबरदस्ती की तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे या हाई कोर्ट चले जाते थे। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब आपके अधिकारों का हनन होता है, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस पर बड़ा विवाद होता था, सरकारें परेशान थी। फिर आपने देखा 44वां संविधान संशोधन हुआ, अब इसे हटा दिया गया, अब कानूनी अधिकार है, आप इसके खिलाफ अगर कोई इस तरह की बात होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कानून की आप लोग मदद ले सकते हैं। तो इस पर आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से बीच का रास्ता चुना। केशवानंद भारती केस आप लोग सुनते रहते हैं काफी, उस समय का विवाद भी आप लोगों ने देखा, तो उसने कह दिया कि संपत्ति का जो भी मामला है मूल ढांचा नहीं है। ठीक है,
ए केंद्र और राज्य सब आप सब संभल सकते हैं और समझ सकते हैं इस पर अपनी अपनी हिसाब से। आप इसीलिए देखते हैं कि जब भी कोई सरकार इस तरह का काम करती है तो आपको मुआवजा देती है, और मुआवजा इस तरह से देती है कि काफी मुआवजा देती है, ठीक है, आपकी जमीन जितनी साधारण रेट पर बिक रही है उससे भी ज्यादा मुआवजा देती है। कई लोगों को आपको मिला होगा तो आपको पता भी होगा। यहाँ याद रखना जरूरी होगा कि इस दौर 1970 और 75 में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, इसलिए हमारा संविधान ने के इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में और जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन। तीसरे और बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति के का परिणाम माना जा सकता है। आप समझिए कि एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे, और वास्तव में 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यहाँ एक बार पुनः प्रश्न को याद करें कि गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए, आप समझेंगे तो आम सहमति होगी ना सभी दलों की, तभी तो संशोधन किए जा चुके या किए जा सकते थे। इस प्रश्न का उत्तर है कि इनमें से कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। राजनीतिक उथल-पुथल के इस दौर में हम अनेक संशोधनों को आकार लेते देखते हैं। संशोधनों के इस दीर्घ क्रम की शुरुआत बदल विरोधी कानून जो 1985 में आया था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप समझिए ये आम सहमति हुई थी, ये 1985 में आप देखें किसी के पास एक तरह से आप नहीं कह सकते कि पूर्ण बहुमत था, फिर भी आपने देखा है कि ये संशोधन हुआ है ना, और ये एक तरह से आसान नहीं था संविधान संशोधन करना, लेकिन इस पर सभी दलों की एक तरह से राय थी और आम सहमति थी कि इसमें संशोधन इस तरह की व्यवस्था होने चाहिए कि अगर एक व्यक्ति चुनाव लड़कर आता है पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने की कोई कुछ तो प्रावधान होना चाहिए, ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं। दल बदल विरोधी कानून 1952 और 91वां संविधान संशोधन। इसके अलावा इस काल में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष के लिए संविधान में 61वां संशोधन किया गया। आप जानते हैं कि पहले 21 वर्ष की आयु हो जाती थी तभी आप लोग वोट दे सकते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। अब आप जानते हैं कि जब आपकी 18 साल की एज हो जाती है तो आप वोट दे सकते हैं, आप प्रधानमंत्री मतलब लोकसभा सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा सदस्य माफ करिए राज्यसभा तो आपके जो एमएलए होते हैं विधायक वो लोग चुनते हैं, तो आप लोग विधायक को भी चुनते हैं, सरपंच को भी चुनते हैं, जिला पंचायत को चुनते हैं, सदस्य जो भी होता है, ठीक है, इन सबको। फिर आपने देखा होगा कि 73वां और 74वां संशोधन भी किए गए। इस काल में नौकरियों के में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए। सन 1992-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। अभी आपने देखा होगा कि सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण की बात आई थी, तब भी तो एक तरह से आम सहमति थी सभी दलों में, ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि विवाद रहा हो, लगभग सभी दलों ने एक सहमत होकर उस पर विचार विमर्श किया था। कुछ विवादास्पद संशोधनों की अगर हम बात करें तो हमारी अब तक की चर्चा से यह भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने का प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरों में भारी बहस छिड़ी हुई थी। 1971 से 1976 के काल में विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है, और इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद भी रहा है। पर आपने देखा होगा जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई इंदिरा गांधी के समय, ये इसे आप लोग का संविधान का काला दिन भी कह देते हैं, समझ रहे हैं? ये तीन संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकलते हैं थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था, और पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई। वास्तव में संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन था और इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित भी किया था, इसीलिए आप लोगों से कहा ना कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, छोटा संविधान भी कह देते हैं एक प्रकार से। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती थी, यहां तक कि इसके तहत लोकसभा में अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, यानी कि जो अवधि लोकसभा की 5 वर्ष थी इसे 6 वर्ष कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के कुछ अपने भी थे समय। आपने मूल कर्तव्यों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, उन्हें संविधान में इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान का 42वां संशोधन न्यायालय की
न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता था। अभी आपने देखा है कोई संशोधन हुआ है वो संविधान के तहत नहीं हुआ है तो न्यायपालिका में जाएगा, न्यायपालिका उस पर निर्णय दिएगा, एक तरह से उसकी उस पर भी प्रावधान प्रतिबंध लगा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि इंदिरा गांधी जानती थी कि मैं जब भी कोई संशोधन करूंगी तो वो न्यायालय में जाएगा, कोई तो उसे जाकर न्यायालय में जाएगा, चुनौती देगा तो वो रद्द कर देगी। तो एक तरह से न्यायालय को भी बांध के रख दिया जाए, उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तब तो खुली छूट रहेगी ना हमारे पास। तो इस तरह की व्यवस्था भी की गई थी। यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। क्या आप जानते हैं कि संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची और तथा 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए थे, इन्हें भी आप लोग याद रखिए। जब यह संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे, और आप समझ सकते हैं कि इस समय अगर जेल में नरेंद्र मोदी को ले लीजिए आप लोग, अगर विशेष बहुमत की बात इस तरह से हो जाए कि जो उपस्थित रहे उन्हीं के विशेष बहुमत की बात होने लगे, तो नरेंद्र मोदी साहब क्या करें कि विरोधी जो भी सदस्य हैं लोकसभा में और राज्यसभा में इन्हें जेल में डाल दीजिए आप लोग, आराम से किसी भी प्रस्ताव को आराम से आप लोग पास करवा सकते हैं। तो इंदिरा गांधी के समय यही देखा गया, और इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और सत्ताधारी दल कांग्रेस की हार हुई, यानी कि इंदिरा गांधी इस समय चुनाव हार गई थी। नई सरकार ने विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38वें, 39वें और 42वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43वें और 44वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से संविधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया, यानी कि जो जरूरत के एक तरह से संशोधन माने जा रहे थे उन्हें बना रखा दिया गया, और जो एक तरह से दोष युक्त थे जो गलत तरीके से किए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया। 43वें और 44वें संशोधन की बात कर रहा हूँ, जो नई राजनीतिक पार्टी आई थी जिसकी सत्ता आई थी उसी ने एक काम किया था। ठीक है, इन्हें भी आप लोग देखते रहिए, शिक्षा के अधिकार और जीएसटी, अभी कुछ ही समय पहले की है जीएसटी, तो आप लोगों ने विस्तार से पढ़ा भी होगा। अब बात करते हैं संविधान की मूल संरचना और उसका विकास। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात से बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आप यह बात पहले से ही जानते हैं कि सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग भी दिया है। याद रखिए केशवानंद भारती जो थे इनकी कुछ समय पहले डेथ भी हुई है, एक केस हार चुके थे, लेकिन संविधान को न्यायालय को एक नई दिशा मिली हुई थी इनके केस से। इनकी तो हार हुई लेकिन इन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ एक तरह से बता दिया। इसमें क्या कहा गया, और सबसे बड़ी बेंच थी 13 सदस्यीय बेंच थी। ठीक है, इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियां की सीमाएं निर्धारित की गई। यह संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन निर्धारित सीमाओं के अंदर ही की अनुमति देता है। संविधान की मूल संरचना और उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। और केशवानंद भारती मामले में यह बात स्पष्ट भी की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय दिया था। बाद के चार दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएं इसको ध्यान में रखकर की गई हैं। और याद रखिए जब क्या होता है कि सबसे बड़ी कोई खंडपीठ बनाई जाती है उसके जो भी फैसले होते हैं उसी के आधार पर अगले फैसले लिए जाते हैं, और जब उससे बड़ी कोई खंडपीठ बने तो फिर उसके फैसले एक तरह से रखे मतलब उनके आधार पर फैसले लिए जाने लगते हैं। ठीक, संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण भी है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति भी मिली है। इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित भी होते हैं। 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास भी किया है। एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन और मजबूत ही हुआ है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन कर के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलेपन का संतुलन निश्चित ही पुष्ट हुआ है। एक समझिए हमारे देश का संविधान बहुत कुछ कहता है, और आप जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे वो एक तरह से आप कहिए कि पूरे संविधान का निष्कर्ष है आपका, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसी में सब कुछ छिपा हुआ है, बस आपको पढ़ना है। संविधान की समीक्षा की अगर बात करें हम लोग, 90 के दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया, और सन 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था।
विपक्षी दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिसने संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती हो। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे संविधान निर्माता बहुत लंबी सोच रखते थे, बहुत दूर दूर तक की सोच के संविधान निर्माण किया हुआ है उन्होंने। ऐसी ऐसे कई और उदाहरण मौजूद हैं जिनमें स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किया है कि आरक्षित सीटों की कुल संख्या की आधी से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आरक्षित जो भी सीटें हैं वो ऐसा नहीं है कि आधी सीटों से अधिक हो जाए। ठीक है, इस निर्णय को अब तक सिद्धांत के रूप में स्वीकार भी कर लिया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर के विचार सामने रखा और यह फैसला किया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। एक तरह से आप समझिए, मैं तो कहता हूं देखिए क्रीमी लेयर की अवधारणा बहुत अच्छी है। क्रीमी लेयर का विचार आप लोगों को अगर समझना है तो बहुत ही साधारण शब्दों में समझिए आप लोग कि आप लोगों ने दूध देखा होगा, जब आप लोग उसे गर्म करते हैं तो उसमें उस पर ऊपर एक क्रीम आ जाती है, उसे आप लोग हटा दीजिए एक तरह से। यही ओबीसी में अवधारणा लागू है कि जो एक तरह से सशक्त हो चुका है, जिसकी स्थिति सुधर चुकी है, उसे क्रीमी लेयर की अवधारणा में ला दीजिए, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन केवल आरक्षण का इस क्रीमी लेयर की जो भी अवधारणा है ये ओबीसी पर लागू होती है, ये एसटी एसटी आरक्षण पर लागू नहीं होती है। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग फॉर्म भरते हैं तब आप लोगों को ये पूछा जाता है क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर ओबीसी में आप आते हैं तो आपसे पूछा जाता हुआ, और जब आप लगाते हैं कि एस तो आपकी फीस बढ़ जाती है, आपको फीस अधिक देनी पड़ती है। जब आप कहते हैं कि नो तो आपने देखा होगा कि फीस कम देनी पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं न्यायपालिका ने शिक्षा जीवन स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंध में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन भी किए। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका के आदेशों को भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और न्यायालय तो मैन है, एक तरह से मुख्य है, आप समझिए, वरना कुछ भी करते रहते राजनेता अपने मतलब के लिए, जिस तरह इंदिरा गांधी ने आप लोगों ने देखा है कहां क्या क्या किया था, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं कहां से कहां पहुंच चुके हैं। केशवानंद भारती बनाम केस को जरूर याद रखिए इसे, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे लगता है पूछे जाते रहे हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज, हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना है, इसका क्या अर्थ है आखिर? लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है और जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है। वास्तव में यह उसे पहली की का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारे संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन, बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान की असली मानदंड भी है। एक तरह से आप इसे भी समझ सकते हैं इस तरह से, मान लीजिए आप जिंदा हैं तो आप परिस्थितियों के साथ ढल सकते हैं, समय समय पर अपने आप में बदलाव कर सकते हैं, अच्छाइयों को अपना सकते हैं। मान लीजिए कि कोई डेड एक तरह से मुर्दा है, उस पर आप क्या सोचेंगे, क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं, क्या वो अपनी परिस्थिति के अनुसार ढल सकता है? तो इसीलिए हमारे संविधान को कह दिया जाता है कि जीवंत दस्तावेज है, यानी कि जिंदा दस्तावेज है। ठीक है, सामान्य तौर पर लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वह केवल टिकाऊ ही नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है? पिछले 6 दशकों के दौरान देश के राजनीति तथा संविधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई है। इस अध्याय में हम उनमें से कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं। 1950 में संविधानिक तथा वैधानिक मुद्दों के बारे में बार बार सामने आने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था और संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर इसका वरीयता प्राप्त होती है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई है, इसलिए अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता ढांचे के अंतर्गत ही हो। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है
प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से भी है। इसके माध्यम से ही वह कार्य करता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी करना चाहिए। सीधा सा मतलब यह है कि आप जानते हैं कि नेता तो नेता होते हैं, लेकिन आप समझिए जनता के प्रति इन्हें उत्तरदायी भी होना चाहिए। आप समझिए कि जनता ने आपको चुना है, किस लिए चुना है? आज के नेताओं को तो भ्रष्टाचार करने के लिए चुना है, लेकिन उस समय के नेताओं की बात कर रहा हूं, आजादी के समय की, तो वो अपने परिवार से ज्यादा जनता का ख्याल रखते थे, जनता के बारे में सोचते थे और अपनी खास किसी जाति या धर्म के बारे में नहीं सोचते थे, वो सभी धर्मों के बारे में सोचते थे। समझ रहे हैं? तब जाकर आज तक हमारा संविधान टिका हुआ है, वरना पता नहीं कब का खत्म हो जाता। समझ सकते हैं आप लोग? और मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि भीमराव अंबेडकर साहब केवल दलित पिछड़ों के एक तरह से नेता थे, तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ इंसाफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबका एक तरह से सहयोग किया, सभी जातियों को साथ लेने लेने का, आगे बढ़ने का काम किया है, फिर चाहे महिलाएं हो, फिर चाहे कोई भी जाति हो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि केवल उस जाति का उन्होंने नेतृत्व किया। हाँ, वो उस जाति से आते थे, लेकिन सभी का उन्होंने ख्याल रखा है। ठीक है, याद रखिए। न्यायपालिका का अगर योगदान की बात करें हम लोग, न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब पिछड़े तथा असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने, संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संविधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है, उतना ही ध्यान इस बात पर ही देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो पाए। ये क्लियर है कि आपको संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन आप एक एक तरह से आप कहिए कि एक सीमा में संशोधन करेंगे, इस सीमा से बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप देखेंगे जनता से ज्यादा आपका मतलब छुपा होता है कई संशोधनों में। तो ये भी देखना होगा कि इससे आगे निकले और मैं जीरो कर दूंगा इस संशोधन को, इस अधिनियम को जीरो कर दूंगा। कौन बोलता है? सुप्रीम कोर्ट। एक तरह से भारतीय संविधान की सफलता इन तनाव को सुलझाने में ही निहित है। न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। संविधान के पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा कि संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि उसका फलान भाग मूल संरचना का हिस्सा है। इस प्रकार मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है और समय पर करती भी रहती है। न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया? पिछले 4 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इससे किस तरह से अपनाया है? यही आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। और न्यायालय का यह मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां तथा अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान भी दिया है, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। फिर आप देखेंगे राजनीतिकों की परिपक्वता, तो इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद में न्याय उपयुक्त अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य उजागर होता है कि 1967 से 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद तथा कार्यपालिका ने एक संतुलन तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस भी किया है। केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार करने के प्रयास भी किए गए। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संशोधन भी किया गया, संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन मिनर्वा मिल प्रकरण 1980 में न्यायालय ने अपने पहले लिए गए निर्णय को पुनः दोहराया। तो ऐसे इस केस को भी आप लोग याद रखिए, 1980 का है मिनर्वा मिल प्रकरण। इसलिए केशवानंद मामले में निर्णय दिए गए जाने के 4 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राजनीतिक दलों, राजनेताओं और सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की है। यद्यपि संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं की जा सकती है। और संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक सांझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए एक प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था और संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अथवा व्यक्ति की गरिमा, आजादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। यह आदर्श आज धूमिल नहीं पड़ा है। यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं, उसे महत्व भी देते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले
ये बुनियादी मूल आज भी उतने ही कारगर हैं। आज भी आप देखते होंगे, हो सकता है कि आपको प्रधानमंत्री या अपने लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य पर भरोसा ना हो, लेकिन आप अपने संविधान को भरोसा जरूर करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में कोई ऐसा भी एक व्यक्ति भी मिले जिसे संविधान पर भरोसा ना हो। ठीक है, यहाँ भी इस पॉइंट को भी देख लीजिए। संविधान सभा में भी कई सदस्य ऐसे थे जो इस संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानते थे। यह संविधान जिन आदर्शों पर आधारित था उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही ठप हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण साहू ने, ये 1949 की बात है, ऐसा लोग सोचते थे, लेकिन फिर भी आज सोचिए आप लोग, फिर भी वो बना हुआ है। निष्कर्ष भी दिया गया है इस चैप्टर का, ऐसे भी देख लीजिए। बुनियादी संरचना में कौन कौन से तत्व निहित हैं, इस बात को लेकर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। इन बहसों के चलते रहने में कोई बुराई नहीं है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहस और मतभेद लोकतांत्रिक राजनीति के अनिवार्य अंग होते हैं। साथ ही हमारे राजनीतिक दलों और नेतृत्व ने भी इन बहसों के मामले में परिपक्वता का परिचय भी दिया है। उन्होंने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि राजनीतिक प्रश्नों से जुड़ी बहस और तर्क वितर्क मर्यादा के बाहर ना जाए। समझौतों और आदान प्रदान के बिना राजनीति नहीं चलती है। अतिवादी रुख अपनाना सिद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, वैचारिक स्तर पर ऐसा करना काफी आकर्षक भी दिखता है, लेकिन राजनीति में सभी पक्षों को अपनी अतिवादी विचारों और नजरियों को छोड़कर एक न्यूनतम साझी समझ विकसित करनी पड़ती है। इसके बिना लोकतांत्रिक राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती है। हमारे यहाँ की जनता और राजनीतिकों ने इस बात को भलीभांति समझा भी है और इसे मर्यादित व्यवहार के कारण हमारे लोकतांत्रिक संविधान सफल रहा है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंदिता हमेशा चलती रही है। जनकल्याण के अभिप्राय को लेकर ही भी उनके बीच द्वंद बना रहा, लेकिन अंततः निर्णय जनता के हाथों में ही रहता है। वस्तुतः लोकतंत्र का उद्देश्य और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आजादी और खुशहाली देखा गया है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, इस बात की अलग बात, लेकिन आप देखेंगे कि जब नेहरू की मंत्रिमंडल बनाई गई या संविधान के समय की हम बात कर रहे हैं, तो आप समझिए जितने भी इसमें लोग शामिल हुए थे उनके सबके अपने अपने हित हुआ करते थे, अपने अपने समूहों के अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन उनमें सब में कॉमन कुछ चीजें थी, उनको लेकर संविधान बनाया गया। आप समझिए कि किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने की बात अगर हमारा संविधान करता तो दूसरा धर्म बुरा मान जाता और संविधान बनने में कई तरह की अड़चन भी आती। तो आपने देखा सभी धर्मों की बात सुनी गई, उसमें जो कॉमन फैक्टर रहे उनको ध्यान में रखते हुए एक तरह से संविधान बनाने के काम किया है। नेहरू की क्या विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बता रहा हूं मैं, फिर चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या विचारधारा है, भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा क्या है, या बाकी लोगों की विचारधारा क्या है, सबके जो कॉमन फैक्टर थे उनको ध्यान में रखते हुए सभी की आम सहमति बनाते हुए संविधान का निर्माण किया गया, ना कि एक की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए। इसलिए आप देखते हैं कि धर्म निरपेक्ष है हमारा देश। कहने का मतलब है कि देश, हमारा देश किसी एक धर्म को ऊंचा नहीं उठाने की बात नहीं करेगा, किसी को मदद करने की बात नहीं करेगा। सभी को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपने देखा होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता में जब अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का काम करता है या किसी लालच में काम करवाता है, तब आपकी सरकारें या फिर न्यायपालिका भी उसमें हस्तक्षेप करती है। ठीक है, तो आजादी या मौलिक अधिकार आपके वहां तक हैं जहां तक कि दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, याद रखिए। इसी चैप्टर से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा और पढ़ते रहिए। इसकी भी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर ही डली हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और रख लीजिए। इसका एक लास्ट चैप्टर और बचता है आपका और वो भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस बुक्स का भी समाधान मतलब समाप्त हो जाएगी। संविधान का राजनीतिक दर्शन एक चैप्टर लास्ट बचता है, इसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है।